मेरा नाम महिपाल सिंह मकराना है, श्री राजपूत कन्या सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष हैं भंवर सिंह जी सलाड़िया, राष्ट्रीय महासचिव हैं विवेक सिंह जी, और हम लोग आज यहाँ पर एक मिनट पता है। आप बलवीर सिंह जी हाथोज है, राजपूत सभा के सेक्रेटरी हैं। हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं 4 जून को एक बड़ी भव्य वाहन रैली का हम लोग आयोजन कर रहे हैं श्री राजपूत कर्णी सेना के बैनर से, और 4 मुद्दों को लेकर हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। 4 जून 4 मुद्दे और शाम को 4 बजे 4 मुद्दे रहेंगे। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण जो है, ईडब्ल्यूएस के आरक्षण में खूब सारी विसंगतियां हैं, उसको राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र के द्वारा किस तरीके से सरलीकरण उनका किया जाए, 10 से 14% उसका बढ़ाया जाए। ईडब्ल्यूएस में पंचायती राज में, नगर निगम चुनाव में और नगर पालिका में 14% के हिसाब से उनकी सीटें बुक की जाए, आरक्षित की जाए कि उनको भी चुनाव लड़ने का अधिकार मिले 14% आरक्षित सीटों पर। तीसरा, आयु सीमा में छूट मिले कंपटीशन जो एग्ज़ाम दे रहे हैं बच्चे उनके लिए, क्योंकि स्वर्ण क्लास के स्वर्ण जो जो बच्चे हैं उन वो 1-2 अटेम्प्ट देते हैं और उनका वो कार्यकाल, मतलब उनकी उनके पास समय सीमा नहीं होती, तो अगर आरक्षण मिला तो आरक्षण में सभी प्रकार के आरक्षणों में ये सुविधाएं हैं कि उनको 5 साल 7 साल की आयु सीमा में छूट मिली है, तो हमें भी आयु सीमा में इसमें छूट मिले, ये पहला मुद्दा है हमारा। दूसरा मुद्दा, राजस्थान के प्रमुख दल, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो और चाहे आम आदमी पार्टी हो, उनका मुख्यमंत्री का चेहरा जो भी पार्टी अगर राजपूत का रखेगी, हम लोग आने वाले चुनाव में उनको सपोर्ट करेंगे, उनका साथ समर्थन देंगे। सेकंड, थर्ड मुद्दा, एक पिछले कई दिनों से बड़े बड़े प्रोग्राम हुए हैं हर समाज के, हमारे समाज का भी एक बड़ा सम्मेलन हो चुका है, 2 बड़े सम्मेलन हो चुके हैं, और एक मुद्दा रहा क्षत्रिय कल्याण बोर्ड के गठन का, जो अभी तक हमको नहीं मिला, सभी समाजों को मिला, चाहे वो जाट समाज हो, चाहे वो विप्र समाज हो, चाहे वो गुजर समाज हो, चाहे वो कुमार समाज हो, सभी समाजों के अगर समाज का गठन हो रहा है तो क्षत्रिय कल्याण बोर्ड का गठन क्यों नहीं हो रहा। तो हम, एक मुद्दा है हमारा क्षत्रिय कल्याण बोर्ड का गठन हो, जिसके कारण से एक गरीब राजपूत, गरीब स्वर्ण, जो गरीब राजपूत जिनके जो बेचारा हॉस्टल की फीस नहीं भर पाता, अफोर्ड नहीं कर पाता, उनके लिए राजपूत छात्रावास सरकारी खर्चे से बनेंगे, उनको छात्रवृत्तियां मिलेगी, क्योंकि वो बोर्ड का ही, बोर्ड के माध्यम से ही हो पाता है, तो ये क्षत्रिय कल्याण बोर्ड का गठन की हम मांग कर रहे हैं। चौथा, जो यूनिवर्सल मुद्दा है, पूरे राजस्थान का मुद्दा, राजस्थानी भाषा को मान्यता को लेकर है। हम राजस्थान के वासी हैं, आज 78 साल 80 साल होने को आए आज़ादी को, और आज तक राजस्थान के राजस्थानी भाषा बोलने वाले 9 से 10 करोड़ लोग, इस 140 करोड़ जनसंख्या में 10 करोड़ लोग अगर राजस्थानी भाषा बोलने वाले हैं, और फिर भी हमें अगर राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं राजस्थान के लोगों की कमजोरी है, कहीं ना कहीं हमारे जो जितने भी राजनेता हैं उनकी मानसिक कमजोरी है कि वो सोच नहीं पा रहे हैं कि पूरे देश में मारवाड़ी व्यापारी के तौर पर फेमस है, उन्होंने अपने सभ्यता संस्कृति वहाँ बचा रखी है, चाहे वो नीचे तमिलनाडु में हो, चाहे वो जम्मू में हो, चाहे वो कलकत्ता में हो, चाहे आसाम में हो, बंगाल में हो, कहीं पे भी हो, पर आप विडम्बना देखिए कि वो मारवाड़ी अपने घर पे तो बोल रहे पर उनको मान्यता नहीं है। तो चौथा हमारा जो मुद्दा है वो है राजस्थानी भाषा को मान्यता को लेकर, ये 4 मुद्दे हैं, 4 जून 4 मुद्दे और शाम को 4 बजे हम लोग सैकड़ों गाड़ियों की संख्या में, जहाँ तक हमारा हम लोगों का आज तक का अभी तक का कैलकुलेशन है कि हम लोगों ने जो गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन किया है 4,000 साढ़े 4,000 से ऊपर का गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। 10,000 गाड़ियों का हमारा टारगेट था, जो कि आज तक का रिकॉर्ड है पूरे राजस्थान में। 1,500-2,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ आज तक कोई भी वाहन रैली में इकट्ठा नहीं हुई है, वाहन रैली में निकली नहीं है, ये पहली बार है। श्री राजपूत कर्णिसना के बैनर से जब 2006 में कर्णिसना बनी थी तब भी हमने 2,500-3,000 गाड़ियों का जो एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया था उसको भी हम ही तोड़ते हुए वापस से 8-10,000 गाड़ियों का हम लोग रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, जो कि हमारे रजिस्ट्रेशन जिस हिसाब से हो रहा है हम लोग उस आधार पर आपको बता रहे हैं।
और गणेश मंदिर से हम लोग रवाना होंगे एक बहुत बड़ी संख्या में। हनुमान चालीसा का पाठ करके इस रैली का आरंभ किया जाएगा। हनुमान चालीसा का पाठ इसलिए क्योंकि हनुमान चालीसा, हनुमान जी हमेशा पॉजिटिविटी के और हमेशा सकारात्मक पहलू के वाहक रहे हैं, तो उनका पाठ करके हम लोग रवाना होंगे। और जो जलेबी चौक, जो गोविंद देव जी के मंदिर के प्रांगण में जलेबी चौक है, वहाँ पे हम लोग इसका समापन करेंगे माँ भगवती की आरती स्तुति करकर। कोई पॉलिटिकल व्यक्ति हमारे मंच पे नहीं होगा, सामाजिक लोग, सामाजिक संस्थाएं, सबको हमने आमंत्रित किया है आज राजपूत सभा भवन में आपके दिशा निर्देश में, क्योंकि राजपूत सभा भवन हमारे राजपूत समाज का, इस जयपुर का सबसे बड़ा संगठन तो है ही और हमारा मेंटोर भी है राजपूत कर्ण सेना का। हमेशा अगर कोई अभिभावक रहा है तो अभिभावक के रोल पे स्वर्गीय गिरिराज सिंह जी लोटवाड़ा से लेकर अभी राम सिंह जी चंदलाई से, बलवीर सिंह जी हाथोज, ये हमेशा इनका आशीर्वाद रहा। तो आगे का समर्थन का और हमारी सामाजिक संस्थाओं के तौर पर बलवीर सिंह जी हाथोज आपको बताएंगे। एक सवाल कि दोनों ही राजनीतिक पार्टी विधानसभा कितनी सीटों पर राजपूत समाज टिकट चाहता है, कितनी टिकटों पे अपना वर्चस्व? 50 सीटों पे सीधा सीधा हमें टिकटों की जरूरत है। बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, आप जो भी है, 50 सीटों पे हम लोग सीधा सीधा, हमारा प्रत्याशी जी सकता है, हमारे समाज का व्यक्ति जी सकता है। जो भी व्यक्ति, जो भी संस्था, जो भी पॉलिटिकल पार्टी इस मांग को मानती है, हम लोग सीधे तौर पर श्री राजपूत करने से नहीं, राजपूत समाज का हर एक युवा उस पार्टी के साथ है। सारी मांगे सामाजिक है, ये भी सामाजिक मांग है। अगर भारतीय सभ्यता से लेकर राजस्थानी सभ्यता तक बात आती है, तो राजस्थान की सभ्यता संस्कृति को अगर किसी व्यक्ति ने, किसी जाति ने अगर सहेजा है, तो वो क्षत्रिय समाज। गढ़ किलों से लेकर इतिहास तक अगर किसी को बनाने से लेकर उसको सहेजने तक जो काम जो किया है, वो क्षत्रिय समाज है। तो हमारा ये धर्म बनता है कि जिस व्यवस्था को हमने खड़ा किया है, जिस व्यवस्था के कारण से हम लोग एकजुट हैं, तो हमारी ये पहली प्रायोरिटी है कि साहब राजस्थानी भाषा को भी हम लोग मान्यता दिलाएं। इतना बड़ा संगठन है, तो अगर कोई नहीं बोल रहा, वो बात हम लोग हमेशा करते आए। इतिहास के संरक्षण की बात भी कोई नहीं करता था, सबका इतिहास है, मेरा अकेला का इतिहास थोड़ी है। राजपूत जाति का कोई इतिहास में कोई वो थोड़ी है कि उनका कोई एकाधिकार है, सबका अधिकार है। पर आज तक कोई नहीं बोला, इतिहास को तोड़ मरोड़ करके फिल्में बनाई गई, हम लोगों ने विरोध किया। आज जो भी ऐतिहासिक जो मोनूमेंट है, उनको तोड़ मरोड़ की जा रही है, उसके खिलाफ भी हम लोग खड़े हुए। तो राजस्थानी भाषा को लेकर भी हम लोग खड़े हुए हैं और बकायदा इसको परिणति तक पहुंचाएंगे। अशोक सरकार ने भी महाराणा प्रताप के नाम से बोर्ड का गठन का ऐलान किया था, उसके बाद में क्षत्रिय कल्याण बोर्ड के गठन का क्या लगा? ये लॉलीपॉप सरकार, महाराणा प्रताप के नाम से किया, तो महाराणा प्रताप के नाम से जो बोर्ड किया है उसके लिए उनका धन्यवाद है। पर राजपूत समाज या क्षत्रिय समाज का उसमें कोई लेना देना नहीं है। मैं आपके चैनलों के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, पूरे राजस्थान ने उनको धन्यवाद दिया, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद है। दूसरे तीसरे दिन गाइडलाइन आई, जो शोध करेगा महाराणा प्रताप के ऊपर, उनके इतिहास को लेकर, उनके मोनूमेंट जितने लगाए हुए उनको लेकर, उनके इतिहास के संरक्षण को लेकर जो भी काम होगा, उसमें पैसा खर्च किया जाएगा। और राजपूत समाज के गरीब बच्चों को लेकर कोई उसमें पैसा नहीं है, न राजपूत समाज या क्षत्रिय जाति का नाम का मेंशन है। तो सभी जात में मेरे जो राजपूत समाज के व्यक्ति, सभी को बोलना चाह रहा हूँ, आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये केवल भटकावा है, केवल छलावा है। महाराणा प्रताप की जयंती के दिन महाराणा प्रताप का जरूर आपका धन्यवाद है, पर क्षत्रिय समाज का उसमें कोई उत्थान नहीं है। 3600 कौम का व्यक्ति कोई भी शोध कर सकता है, किसी भी जाति बिरादरी का व्यक्ति उस उत्थान के काम में काम कर सकता है, और वो जो पैसा है वो उनके संरक्षण, उनके शोध और उनके मोनूमेंट्स के रख रखाव के लिए, न कि किसी और के लिए।